जी ने बौद्ध धर्म को यहाँ पुनर्जीवित किया और एक वो बुद्धिस्ट आइडेंटिटी बाबा साहब ने हमें दी, जो एक आइडेंटिटी लेकर बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं था लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, वो कसम बाबा साहब ने यहाँ से पूरी की। और उस कसम पूरी करने से बाबा साहब ने 100 साल के अंदर जिस समाज को मरे हुए जानवर उठाने पर मजबूर किया गया था, आज वो समाज हवाई जहाज उड़ाता है, आज वो समाज राष्ट्रपति पद पर है, आज वो समाज पूरे दुनिया में छाया हुआ है। और ये केवल और केवल बाबा साहब के बुद्धिस्ट मूवमेंट के वजह से हुआ, बौद्ध क्रांति से हुआ। आज हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रखना चाहते हैं। मैं आज श्रामणेर बन के ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राजनीति से भी बहुत बड़े दरवाजे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के माध्यम से खोले हैं। आज करीब करीब 128 देश बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बाबा साहब ने सिर्फ भारत के संसद के या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ही दरवाजे नहीं, वर्ल्ड के दरवाजे आपके लिए खोले हैं। वहां पर भी कभी जाइए और अपना अधिकार वहां से भी लीजिए। बाबा साहब के जीवन के अनेक पहलू हैं और उनमें से ये सबसे उनके जीवन का महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है धम्म क्रांति। सर, हम आपसे इस बातचीत को पूरा करते हुए एक अंतिम मैसेज भी लेना चाहेंगे कि भारत की जो संवैधानिक मूल्य है उन संवैधानिक मूल्यों को बहुत जीवन प्रणाली का सपोर्ट हिलाना नहीं। देखिए पूरा जो संविधान अगर आप पढ़ोगे, अगर ये 100% इस देश में लागू हुआ होता तो ये देश बुद्धिस्ट कंट्री कहलाता, क्योंकि संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान देते समय स्पीच है कि जब तक इस देश में जातियां रहेंगी संविधान किसी काम का नहीं होगा, लोकतंत्र इस देश में नहीं आएगा, लोकतंत्र के खिलाफ अगर कुछ है तो जाति व्यवस्था। तो अगर आपको लोकतंत्र सही में एस्टैब्लिश करना है तो जातियों को खत्म करना होगा और वही संदेश बौद्ध धर्म का है। और बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, सब समान है। इस देश में इक्वलिटी, जो इस देश का संविधान इक्वलिटी फ्रैटर्निटी की बात करता है वही बात धम्म करता है। और इसलिए संविधान का 100% इम्प्लीमेंटेशन अगर इस देश में हुआ होता तो ये देश बुद्धिस्ट कंट्री कहलाता। इसलिए इस देश को चलाने वाले लोग संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि उनको डर है कि लोग अगर इस कर्मकांड से निकल गए, जातिवाद से बाहर निकल गए तो वो बुद्ध की शरण में चले जाएंगे। इसलिए जो संविधान करता है या संविधान को जो अमल में लाने के लिए जो लोग भेजे गए वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि संविधान अमल में नहीं लाया जाए। हम बातचीत कर रहे थे श्रामणेर दीक्षा ले चुके राजरत्न अम्बेडकर जी से। हम तो नहीं जानते, ये पूछना भी नहीं चाहते कि वे श्रामणेर जीवन में कितना समय बिताएंगे, लेकिन इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा। दर्शकों जय भीम, नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल प्रस्तुत ये शेषरवा जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े धूमधाम से पूरे देशवासी यहाँ पे दीक्षा भूमि के पावन भूमि पर यहाँ पे मना रहे हैं। और इसी वक्त इस शुभ मौके पर राजरत्न जी अम्बेडकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जानेंगे उन्हीं से किस प्रकार का ये माहौल और हमारे समाज के लोगों को किस प्रकार का वो मैसेज लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लॉर्ड बुद्ध के दर्शकों को 66 प्रवर्तन दिन के ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज यहाँ नागपुर दीक्षा भूमि में सामने दीक्षा मैंने यहाँ पर प्राप्त की है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो धम्म का संदेश है वो केवल भारत तक ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है उन तक पहुँच कर कि हम भारत के बौद्ध हैं और भारत में बौद्धों की एक स्वतंत्र व्यवस्था कैसे निर्माण होनी चाहिए, कैसे खड़ी होनी चाहिए। आज 65 ईयर्स हमको पूरे हुए हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर और आज इन 65 ईयर्स में एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने मिल रहा है। देखिए उस जिस धम्म के पास प्राथमिक जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी हमारे पास नहीं थी। कोई टीवी चैनल बुद्ध का नाम लेने को तैयार नहीं, कोई स्कूल कोई कॉलेज में बुद्ध का सिलेबस पढ़ाया नहीं जाता। ऐसे स्थिति में आज इस नागपुर की धरती पर बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी के बुलावे पर लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और 65-66 ईयर्स हुए, ये संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बिना किसी प्रोपोगंडा, बिना किसी पब्लिकेशन, बिना किसी प्रचार और प्रसार के इतना बड़ा, यानी हम देख रहे हैं कि जिस बुद्धा को इस देश में दबाया जाता है, खत्म किया जा रहा है, वो बुद्धा और उनका धम्म बढ़ते जा रहा है और उनके उनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। राजस्थान के लोग हो, छत्तीसगढ़ के हो, आज कर्नाटक के गवर्नमेंट ने बसेस करके 650 बसेस करके यहाँ पर भेजे हैं। तो पूरे देश भर से और देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग
यहाँ पर इस धरती को नमन करने आते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा, हम बहुत सारे मैंने बोर्ड देखे हैं जो मनुवादी लोगों ने लगाए हैं, और हम लोगों को उन्होंने टर्म दिया है येणाऱ्या भाविकांचं स्वागत। वो हमको भाविक बनाना चाह रहा है, भाविक यानी भक्त। हम बाबा साहब के भक्त नहीं, हम बुद्ध के भक्त नहीं है, हम अनुयायी है। जिस इसी धरती से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो यहाँ पर आकर सिर्फ बाबा साहब को हाथ जोड़कर नहीं चलने वाला। जो हम बाबा साहब के अनुयायी है, हमको बाबा साहब का अनुकरण करना जरूरी है। वरना यहाँ पर 14 अक्टूबर हो, अशोका विजयादशमी हो, यहाँ पर आकर नमन करके जाओगे और घर में जाके वही कर्मकांड करते रहोगे, वही 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते रहोगे, तो आपके यहाँ आने से कोई मतलब पूरा नहीं होता। और इसलिए आपको अनुकरण करना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए इसी धरती से, इसी नागपुर से 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी। हर बौद्ध को वो 22 प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए, और बुद्ध का धम्म जो विश्व का धम्म है, वो धम्म बाबा साहब हमको देकर गए हैं। हम इसकी तरफ इसका ख्याल नहीं रख रहे, इसका ठीक से संगोपान नहीं कर रहे, और इसलिए धम्म के अगेंस्ट के लोग इसको इसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और वो खुद अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं। इसके इस श्रामनेर दीक्षा में ही, श्रामनेर अवस्था में ही मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं, जहां पर 128 देश के बुद्धिस्ट वहां पर आएंगे। उनके सामने इस देश का प्रधानमंत्री जो हिंदूवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है, वो वहां पर आकर अपने आप को बौद्ध कहता है। इस देश का उपराष्ट्रपति वियतनाम के कॉन्फ्रेंस में, हमारे कॉन्फ्रेंस में आकर बुद्धा पर बातें कर रखता है। यानी जो लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानते हैं, कल भी मेरे ख्याल से यहाँ पर वो लोग आएंगे और यहाँ से भाषण करके जाएंगे। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी का इस धरती पर स्वागत है, दीक्षा भूमि पे स्वागत है, लेकिन क्या आप 22 प्रतिज्ञा देने को तैयार हो? क्या 22 प्रतिज्ञा लेने को तैयार हो? जिस राम मंदिर का आप निर्माण करते हो, यहाँ पर खड़े रहकर कह सकते हो कि मैं राम को और ब्रह्मा को और विष्णु को नहीं मानता, क्या ये साहस आप दिखाओगे? सिर्फ दीक्षा भूमि पर आकर हमने बाबा साहब को नमन किया, ये बताकर अब अंबेडकरी जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। अगर सही में आप बाबा साहब को फॉलो करते हो, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेकर दिखाओ, तब हम आपको मर्द मानेंगे, अब सही में आपको पुरुष मानेंगे, वरना हम आपको पुरुष भी नहीं मानते। बिल्कुल सर। सर एक मिनट, हमारा जो बुद्धिस्ट युवा जनरेशन है, उसके लिए धम्म के बारे में जो बहुत बददिन यहाँ पे उदासीनता बढ़ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूंगा, आज भारत में धम्म का विषय है, ये आफ्टर रिटायरमेंट का विषय बन चुका है कि हम धम्म की मूवमेंट कब चलाएंगे। सारा नौकरी करने के बाद, सारे पेंशन खाने के बाद हम धम्म की मूवमेंट को आगे आएंगे, ऐसी मानसिकता इस देश में लोगों की बनी है। अरे, जिस देश में सम्राट अशोक ने अपने छोटे छोटे बच्चे इस धम्म के लिए दान कर दिए, और बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे विश्व में जाकर किया, और उस धम्म को फॉलो करने के लिए डायबिटीज वाले पेशेंट, हार्ट अटैक वाले पेशेंट आप लोग हमको धम्म के लिए दे रहे हो। अगर सही में इस देश में धम्म की मूवमेंट चलाना चाहते हो, तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, ये राजनीति के झंडे अपने कंधे पर लेने के बजाय ये धम्म का ध्वज अपने कंधों पर लो, और विश्व में जाकर अपना, बाबा साहब ने आज ही के दिन इस धरती से ये बाबा साहब ने आह्वान किया था कि आता घरातल्या घरात खूब छल, यानी भारत में आप बहुत हुआ, अब भारत के बाहर जाकर दिखाओ, और वहां के बौद्ध देशों के सामने जाकर दिखाओ कि हम भारत के बौद्ध है। लेकिन हमारे युवा आज राजनीति में अटके पड़े हुए हैं, वो जब तक धम्म की ओर नहीं आएंगे, ऐसे लोग आपके ऊपर राज करते रहेंगे जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं। इसलिए युवाओं को धम्म में आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सर, महिलाओं के बारे में क्या कहूँ? महिला, आज मैंने जो श्रामनेर दीक्षा ली है, ये मैंने बौद्ध भिक्खु संघ से नहीं ली, अच्छा। ये मैंने भिक्खुनी संघ से ली है, क्योंकि इस देश में 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, और हम इतने बड़े पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। हमारे कार्यक्रमों में महिलाओं का स्थान नहीं है, हमारे धम्म के मूवमेंट में महिलाओं का स्थान नहीं है, और इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, गुलाम स्त्री गुलाम पीढ़ी को, गुलाम समाज को तैयार करेगी। जब तक हमारी महिला ये गुलाम मानसिकता में रहेगी, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को गुलामी की ओर लेके जाएगी। इसलिए धम्म के मूवमेंट में महिलाओं को प्रथम स्थान देना चाहिए, और तब जाकर वो पूरा घर बौद्धमय हो पाएगा।